मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब? तो स्वागत है भाई फिर से आप लोगों के एक और इंटरेस्टिंग आज के एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज जो ये जो Realme GT 60 है, इसके अंदर भाई आज पूरा बात करेंगे कि भाई आप लोगों को ये जो पूरा रिव्यू मैंने एक हफ्ता तो नहीं है भाई, चार दिन पांच दिन का मेरे पास ये रखा हूँ, क्योंकि भाई ये मेरा फोन नहीं है, मेरा एक दोस्त का फोन है, तो उसको भी लौटाना पड़ेगा। तो मैंने इसका भाई हर एक चीज टेस्ट किया है, गेम टेस्ट किया, चार्ज टेस्ट किया, उसके साथ ही साथ भाई इसका अंदर डिस्प्ले टेस्ट किया। तो मैं आप लोगों के साथ हर एक चीज मैं बताने जाऊंगा कि भाई आप लोगों को ये फोन भाई 30,000 के अंदर बढ़िया होगा या फिर नहीं। तो चले गए साथ ये वीडियो को शुरू करते, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग अगर भाई ऐसी तरह वीडियो देखना चाहते हो, ऑनेस्ट ओनर रिव्यू देखना चाहते हो कि कौन सा फोन सेम है तुम लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, तो मेरे चैनल को जरूर से सपोर्ट कर लेना। तो चले गए साथ वीडियो को शुरू करते, लेकिन उससे पहले भाई मैं उसे दिखते हूँ वॉचिंग माई टेक्निकल उसे दुडू चैनल। तो चले गए साथ वीडियो को दैट शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस इसका बिल्ड क्वालिटी का बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका बिल्ड क्वालिटी का बात करेगा तो मेरे को भाई पर्सनली ये फोन बहुत बढ़िया लगा है, हालांकि ये मेरा फोन नहीं है, मेरा दोस्त का फोन है। तो भाई बहुत बढ़िया लगा है, जो एज टू एज जो भाई मतलब यहाँ पे मेटल फिनिश साइड से देख रखा है और पीछे आप लोगों को ग्लास फिनिश देख रखा है। तो एक इसका डिसएडवांटेज मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये हर टाइम भाई इसको बैक कवर लगा के ही रखना पड़ेगा, नहीं तो भाई आप लोग देख सकते हो कैमरा में जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं भाई मेरे को नहीं है, लेकिन भाई इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा मतलब फिंगर जो होता है मतलब फिंगर का फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ ऐसा आ सकता है भाई इसके अंदर, और उसके साथ ही साथ बहुत बढ़िया है। और इसका कैमरा टेस्ट मैंने किया था, तो कैमरा के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ, उस वीडियो में जाकर देख लेना या फिर मैं आई बटन पे दे दूंगा या फिर मेरे चैनल पे जाकर भाई देख लेना जरूर से। अब दोस्तों गाइस इसका बात करते हैं इसका माइक के क्वालिटी के अंदर, तो माइक क्वालिटी भाई बहुत बढ़िया है इसके अंदर, मैंने सिम डाल के भी देखा है। तो सबसे पहले मैंने जो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो था उसके अंदर मैंने इसको आप लोगों को सिम ट्रे को खोल के ही दिखाया था, तो सबसे पहले भाई इसको सिम ट्रे को खोल लेता है तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या कितना ज्यादा स्लॉट देके रखा है। तो आप लोगों को यहाँ पे सिम ट्रे खोल गया है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस जो कि दो सिम स्लॉट देके रखा है। मेरे पास जो ये वेरिएंट है भाई 8GB 256 वाला वेरिएंट है, तो इसके अंदर भाई एचडी कार्ड लगाना है वगैरह मतलब ऐसा कुछ दिक्कत वगैरह नहीं आएगा। 256GB भाई आज के दिन के अंदर भाई मतलब एक्सट्रीम लेवल का बहुत बढ़िया होता है, अगर आप लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह होगा तो भाई तो भी भाई बहुत बढ़िया होगा, तो इसके लिए मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ। उसके साथ ही साथ भाई कैमरा क्वालिटी तो बता दिया, आप भाई बात करते हैं इसका डिस्प्ले का क्वालिटी के बारे में। तो डिस्प्ले देखो भाई ये तो आप लोगों को जो कप डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि इसके अंदर आप लोगों को 6000 निट्स का ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि ये मैंने बाहर पे भी यूज किया था, उसके साथ ही साथ भाई इंडोर भी यूज किया था, जो कि भाई मेरे को बहुत बढ़िया लगा। लेकिन भाई इसके अंदर जब मैंने 4K 60fps HDR जो कंटेंट होता है वो जब मैंने यूज कर रहा था, तो जब भाई 2x पे मैं लगा रहा था तो भाई थोड़ी बहुत भाई जो इसका क्या बोलते हैं भाई लैग वगैरह है वो देखने के लिए मिलता रहा, लेकिन भाई मैं आप लोगों को लास्ट में जाके प्रूफ दिखा दूंगा भाई, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। तो डिस्प्ले के अंदर मैंने को यही दिखा है, लेकिन जो 6000 निट्स का जो ब्राइटनेस है गेम प्ले के अंदर या फिर भाई इसके अंदर मतलब नॉर्मल यूज मूवीज के टाइम पे भी भाई एकदम मतलब एक नंबर चल रहा है भाई इसके अंदर, आप लोगों को एमोलेड LTPO डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा जो कि 6000 निट्स का। और इसका जो प्रोसेसर है ये भी भाई बहुत तगड़ा देके रखा है, गेम टेस्ट मैंने किया था इसके अंदर, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो भाई मेरा चैनल पे जाके देख सकते हो या फिर भाई और भी गेम प्ले आता रहेगा भाई, आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। उसके साथ ही साथ इसके अंदर आप लोगों को ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा जो कि ये भी भाई बहुत बढ़िया है, आप लोग देख सकते हो यार, जो कि मैंने एक बार खोल रहा हूँ तो भाई आप लोगों को ये ऐसे अनलॉक देखने के लिए मिल जाता है गाइस, तो इसके लिए मेरे को कुछ ऐसा शिकायत नहीं है। आप भाई बात करते हैं इसका चार्जिंग और बैटरी के मामले में, तो इस फोन के अंदर भाई आप लोगों को 5000mAh का बैटरी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि भाई बिग बैटरी भाई 5500mAh का बैटरी भाई मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया हूँ, लेकिन कोई ना। तो इसके अंदर आप लोगों को 120W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाता है गाइस, जो कि भाई मैंने एक बार पूरा जीरो चार्ज कर मतलब पूरा एकदम पूरा बैटरी ड्रेन करके रखा था, तो इसके अंदर चार्ज होने में लगभग भाई 40 मिनट या फिर भाई 35 मिनट तक टाइम लगा था
था भाई ऐसे नॉन एसी रूम में आप लोग, लेकिन थोड़ा बहुत हीट वगैरह करता है ये फ़ोन, और चार्जर भी भाई थोड़ा बहुत हीट वगैरह करता है क्योंकि भाई 120 वाट का चार्जर है भाई। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा अनबॉक्सिंग वाला वीडियो उसके जाके देख लेना, वहाँ पे मैं हर एक चीज़ क्लियर कर रखा था। तो इसी के साथ गाइस और क्या बताना, सब हर एक चीज़ मैंने बता दिया आप लोगों को। और यूआई तो अभी आप लोगों को लेटेस्ट वर्जन वाला देखने के लिए मिल जाएगा, एंड्रॉइड वर्जन 14 ही देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही इसके अंदर आप लोगों को 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट एंड 3 साल का पैच अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा गाइस, जो कि ये भी भाई बहुत बढ़िया है। मतलब एंड्रॉइड 15 और 16 भी देखने के लिए मिल जाएगा भाई इस फोन के साथ। तो ये फोन आप लोग अगर भाई 30,000 या फिर भाई कार्ड डिस्काउंट वगैरह मिला के भी आप लोग अगर ले रहे हो 25-26 या फिर भाई कुछ भी आप लोगों का अगर प्राइस पड़ रहा है, तो भी भाई मैं बोलूंगा कि भाई बहुत बढ़िया डिस्प्ले है, मतलब बहुत बढ़िया फोन है भाई। डिस्प्ले तो क्या बता रहा हूँ, डिस्प्ले का ही मतलब मेरा दिल जीत लिया है भाई इस फोन की। सर मैंने 2-3 सीरीज और मूवीज भी चेक किया है, तो वो भी भाई बहुत बढ़िया है। खैर आज और कुछ नहीं बताना वाला हूँ भाई, क्योंकि हर एक चीज़ बता दिया है। उसके साथ ही इसका जो डुअल स्पीकर है ये भी भाई बहुत तकड़ा बेस के साथ आता है, मतलब ऐसा ज़्यादा बेस नहीं है लेकिन काम चलाना है। आप लोग अगर भाई हेडफोन यूज़ करके देख रहे हो तब तो भाई बहुत ओके चीज़ है, लेकिन अगर उसके साथ भाई आप लोग अगर इसके इनबिल्ट जो माइक साउंड स्पीकर वगैरह होता है, जो कि डुअल स्टीरियो स्पीकर आप लोगों को सामने पे एक देखने के लिए मिल जाएगा और पीछे पे एक देखने के लिए मिल जाता है, जो कि ये भी भाई बहुत तकड़े से तकड़ा लेवल का काम करता है। लेकिन मैंने इस फोन के साथ एक चीज़ मैंने इसका नहीं किया है, जो टेस्टिंग वगैरह होता है, जो कि इसका जो आयर ब्लास्टर जो होता है वो मैंने टेस्टिंग नहीं किया है। कोई अगर मेरा वीडियो देख रहा है, कोई अगर इसका यूज़ किया है तो जरूर से भाई एक बार कमेंट में आकर कंफर्म कर देना कि भाई ये काम कैसे करता है, या फिर नहीं काम करता है, या फिर भाई बुरा काम करता है, क्योंकि मैंने इसका टेस्टिंग नहीं किया है। तो कोई अगर भाई मतलब सच बताएगा तो मैं इसको पिन कर दूंगा। खैर इसी के साथ आज का जो ये फोन का रिव्यू है वीडियो भाई यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा भाई ये फोन, आप लोग अगर लेने वाले हो या फिर ले लिए हो तो कैसा लग रहा है भाई जरूर से कमेंट में बताना, क्योंकि भाई ये फोन अभी तो शायद से एक डेढ़ महीना भाई ये मतलब लॉन्च हो गया है, ये एक महीना बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा ये फोन, कैसा नहीं है जरूर से कमेंट में बता देना यार। खैर इसके साथ आज का ये जो वीडियो है भाई वीडियो को खत्म करते हैं, और जो डिस्प्ले वाला जो फीचर्स मैंने आप लोगों को बताया वो भाई आप लोग लास्ट में जाके देख लेना। खैर आज के लिए वीडियो को इतना ही, वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है ऐसी तरह वीडियो देखना चाहते हो, मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और उसके साथ ही से एक एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार के साथ भाई जरूर से इस वीडियो को फैला देना, क्योंकि भाई आप लोग अगर मतलब ये हेल्पफुल हुए हो मेरा वीडियो के जरिए तो तुम्हारा दोस्त रिश्तेदार को भी हेल्पफुल कर दो भाई। खैर आज के लिए इतना ही, वीडियो कहीं पर खत्म करता है। कीप वॉचिंग टेक्निकल यूट्यूब चैनल, आज के लिए इतना ही, बाय।